हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज हम कक्षा दस का त्रिकोमिति का प्रश्नावली नंबर आठ डी को सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स आपके सामने प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए ये क्वेश्चन नंबर फाइव है प्रश्नावली नंबर आठ डी का फाइव क्वेश्चन है इसके पहले एक से लेकर चार तक आपको क्वेश्चन करा दिया गया है इसमें हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कास्ट थीटा अपन वन प्लस साइन थीटा स्कल टू वन माइनस साइन थीटा अपन कास्ट थीटा स्कल टू सेफ ठीटा माइनस टेन थीटा सिद्ध करना है देखिए फ्रेंड्स इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे और बहुत सिंपल तरीका से सिद्ध करेंगे फ्रेंड्स चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसमें क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड स्कल टू पहले प्रश्न को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड है क्या आपका कि काश ठीटा अपान वन प्लस साइन थीटा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है देखिए बहुत सिंपल तरीके से फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे आप बस वीडियो में इसी तरह बने रहें और लास्ट तक वीडियो को देखें बहुत सिंपल तरीके से सा, सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स देखिए इसमें करना क्या है इसका पहले परिविकरण करते हैं परिविकरण करने का अर्थ होता क्या है कि यहाँ पे प्लस लिखा है तो इसमें क्या करेंगे आंसर हर में माइनस मतलब कि इसी से गुणा करेंगे बस चिन्ह बदल देते हैं तो इसमें करते क्या है देखिए यहां प्लस लिखा है तो यहां पे क्या करेंगे देखिए वन प्लस की जगह माइनस कीजिए सिर्फ साइन थीटा ठीक है और शहर में देखिए यहां पे क्या करें वन माइनस साइन थीटा ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि थीटा कोस्ट में वन माइनस साइन थीटा ठीक है वन प्लस साइन ठीटा और दूसरे कोस्ट में वन माइनस साइन ठीटा है तो देखिए इसका फार्मूला आपको कई बार बता चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि एक कोश्च में ए प्लस बी और एक कोश्च में ए माइनस बी होता है ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है और कई बार आपको बता दिए हैं जिससे ये आपको याद भी हो गया होगा अभी तक देखिए एक बार प्लस है, एक बार माइनस है तो इसी को लिखें यानी कि एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब यहाँ पे क्या होता है कि काश स्क्वायर थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए काश स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है अब क्या करेंगे कि जहाँ हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ पे हम काश स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर लिखिए आप देखिए काश ठीठा कोस्ट में वन माइनस साइन थीठा अपन देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं काश स्क्वायर थीटा देखिए यहाँ पे भी, भी काश है यहाँ पे दो बार है तो एक बार कटेगा तो एक बार बचेगा जब बचेगा तो इसको क्या लिखेंगे ऐसे लिखिए देखिए कि वन माइनस साइन थीटा अपान कास्ट ठीटा देखिए यही हमको सिद्ध करके लाना था देखिए प्रश्न आपको दिखाते हैं कि कितना क्या लाना है कि काश थीटा अपान वन प्लस थीटा इसकल टू, sin थीटा थीटा तो इसको आपको प्रश्न दिखाते हैं कि देखिए वन माइनस क्या है sin थीटा थीटा लाना था ये आ चुका है अब क्या करना है फ्रेंड्स कि अब इसी से लाते हैं अगले वाले को देखिए वन माइनस साइन थीटा अपन कास्ट थीटा तो वन माइनस साइन ठीठापन कास्ट ठीटा से लाना है सेक्कटा माइनस टाइन थीटा और सेफ थीटा माइनस टाइन थीठा कैसे लाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि सिर्फ वन माइनस साइन ठीटा क्या लिख देखिए इसको अलग अलग लिखिए कैसे लिखा जाता है इसको अलग अलग लिखने का तरीका क्या है फ्रेंड्स जैसे आपको पहले बता देते कुछ एग्ज़ाम्पल लेके जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप जैसे एक बटा के दो प्लस दो बटा के तीन को लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं क्या कि तीन, तीन दूना के चार और बटा के तीन दुना के छह इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे तो इसको अलग लिखिए देखिए कैसे लिखते हैं वन अपान का माइनस साइन थीटा अपान कास्टा लिख सकते हैं अलग अलग अब क्या होता है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वन अपन कास्ट डिटा को आपको पता होगा कि लिख सकते हैं हम सेफिटा और साइन ठीटा अपन कास्ट डीटा क्या लिख सकते हैं टाइन थीटा लिख सकते हैं यदि नहीं पता है तो आप ये फार्मूला सब होता है आपको याद होना चाहिए कि वन अपन कास्ट डीटा को लिखते हैं क्या कि सेफ थीटा एक तो फार्मूला ये बनता है आपका और नेक्स्ट फार्मूला बनता है कि साइन ठीटा अपन कास्ट थीटा स्कल टू टेन थीठा ये फार्मूला सभी आपको याद होंगे देखिए ये आपका आ गया यानी कि यह प्रश्न था आपको एक बार और प्रश्न को देखिए जिससे आपको पता चले कि क्या सिद्ध करना था कि कास्ट थीटा अपन वन प्लस साइन ठीटा स्कल टू वन माइनस साइन ठीटा अपन कास्ट थीटा और स्कल टू लाना है सिर्फ थीटा माइनस टेन थीठा जो कि यहाँ पे हम सॉल्व करके सभी ला दिए हैं देखिए है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर लास्ट में क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड स्कल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ये सभी इसी तरह सॉल्व करना है तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम